स्वागत है मित्रों आपका यूएफओ किचन में। आज हम बनाना सीखेंगे कि गरम मसाला कैसे बनाएं, क्योंकि काफ़ी बार मेरे पास लोगों के मैसेज आते हैं कि किस दिन बताइए आप गरम मसाला कैसे बनाते हैं जो अपने खानों में डालते हैं। तो बहुत सरल होता है, इसको घर में बनाएं। बाज़ार में बने बनाए मिलते हैं गर्म मसाले, लेकिन अगर घर में आप बनाएंगे तो हमेशा फ्रेश और एक ताज़ा गर्म मसाला बनेगा, और आपको एक अलग स्वाद मिलेगा उसका, और एक सुकून भी अलग से मिलता है कि हमने खुद बनाया ताज़ा फ्रेश। तो एक काम करें, एक तवा चढ़ा लें या एक कढ़ाई छोटी सी फ्राइंग पैन टाइप का गैस के ऊपर, और उसको हल्का सा गर्म हो जाने दें। और जब वो हल्का सा गर्म हो जाए तो एक उसमें आधा चम्मच जीरा, तीन चार छोटी छोटी सी स्टिक दालचीनी की, सिनेमन की, थोड़ा काली मिर्च, खड़ी काली मिर्च, थोड़ा खड़ा धनिया काली मिर्च के बराबर ही, थोड़ी सी सौंफ, दो छोटी इलायची, कुछ लौंग और जावित्री ले ली है मैंने थोड़ी सी, दो बड़ी इलायची ले लें, और ये नटमेग को मैंने थोड़ा सा काट के ये नटमेग डाल दिया इसमें। अब इसमें से एक आध चीज़ कोई मिसिंग भी हो, नटमेग या जावित्री में से नहीं है आपका, तो चिंता मत करिए, और इसको बस ऐसे थोड़ा सा भुनने के लिए रख दीजिए। और जब ये भुन जाए तो इसकी एक बहुत सुंदर सी खुशबू उठने लगेगी इसमें से भुनने की, तो वो जलने के जस्ट पहले आप इसको उतार लें, ठंडा करें, और इसको फिर एक इसमें पीस के तो ग्राइंडर में, और फिर उसको आप सेव करके रख लें अपना, थोड़ा थोड़ा हर बार जब भी सब्जियां बनाएं उसमें डालें। तो इसको आप सेव करके कितने दिन तक रख सकते हैं, महीने भर तक तो बहुत आराम से चल जाता है ये। तो देखिए अभी इसे गर्म हो जाता है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे पाउडर बनाते हैं। अच्छा, बीच बीच में इसको चलाते रहिएगा ताकि वो हर तरफ से भुनता रहे मसाला। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी थोड़ी देर में भूनते रहिए, थोड़ी देर में इसमें से आपको खुशबू आने लगेगी जैसे कि भुन गया है वो, तब हम इसको देखते हैं, और उस समय फिर इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए इसमें अच्छी खुशबू आने लग गई है, मुश्किल से 2 मिनट हुए और ये देखिए हल्का हल्का धुआं उठने लग गया। तो अब इस लेवल पे आके हम इसको बस हल्का सा चला के और फिर इसको बंद कर देंगे, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा इसका ये जो फ्राइंग पैन है वो अभी भी गर्म है, तो इसलिए इसको बंद करने के बाद भी वो हल्का हल्का और भुनेगा। ये देखिए फर्स्ट क्लास धुआं निकल रहा है इसमें से, इसको बस ऐसे करके ठंडा कर लीजिए आप, और ये भुन गया फर्स्ट क्लास, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, फिर हम इसका ग्राइंडर में पाउडर बना लेते हैं। जो ठंडा हो गया गरम मसाला मेरा, जब जो हमने भुना था उसको मैंने एक ग्राइंडर में ले लिया है, और इसको हम पीस लेते हैं एकदम बारीक। तो ये देखिए मैंने पीस के उसको एक डब्बी में उसको निकाल लिया है, उसको ये एयर पैक्ड है, इसको हम पैक करके रख देंगे। तो फिर अब आप भी घर पे ही बनाइए अपने गरम मसाले, और हर सब्ज़ी में इस्तेमाल करिए, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बाज़ार से ख़रीद के लाएं और तब फिर गरम मसाला डालें बाज़ार का बना हुआ, घर का बना हुआ गरम मसाला डालिए हर सब्ज़ियों में। और ये ध्यान रखें कि इसको सब्ज़ी जब पक जाए उस समय गरम गरम सब्ज़ी के ऊपर से डालें और मिक्स करें, तो इसको बहुत देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मसाला तो पका ही हुआ है, तो ये अपने आप बस उसका जो अरोमा है उसको ले लें और स्वाद उसमें मिक्स हो जाए। तो डालिएगा बहुत थोड़ा सा, क्योंकि अरोमा थोड़ा तेज़ होता है इसका, तो हल्का सा डालिए जितना स्वाद आपको बर्दाश्त होता हो, जितना अच्छा लगता हो। तो फिर मित्रों मिलते हैं एक नई डिश के साथ बहुत जल्दी।